हेलो गाइस, मैं हूं नरेश तेकाम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एलएफ पोएट्री। आज हमारे फार्म का है 14वां दिन और आज हम देने वाले हैं वैक्सीन में गंबोरो आईबीडी। तो मेरे पास है 200 की दो डोज वाली शीशियाँ, इनको अच्छे से इनकी कैप को खोल लेना है। हमने 3 घंटे पहले ही पानी के बर्तनों को साफ़ करके धुल के रख दिया है दूर, ताकि उनको प्यास थोड़ी ज़ोरों से लगा रहे, ताकि जो भी हम इस वैक्सीन दें उसके बाद वो पानी को अच्छे से पिए। ये देखिए, हमने बर्तनों को साफ धुल के रख दिया है। हमको पानी में मिलाना है दूध पाउडर, या फिर आप दूध भी ले सकते हैं, ताकि उनको कैल्शियम की कमी भी पूरी हो जाए उनकी। हमने 2 पैकेट लिए हैं, आपकी जितने बड़े हैं उस हिसाब से आप ले सकते हैं। आप उसको अच्छे तरीके से घुमाकर, या हाथ से भी कर सकते हैं इस पर, या कोई लकड़ी, साफ लकड़ी से भी आप उसको मिला सकते हैं। ये हमने मिलाया डिस्टिल वाटर। इसको अपने फार्म में लाते टाइम ध्यान रखें कि इसको अपने किसी कोल्ड चीज़ या फिर किसी बर्फ़ वगैरह में लेकर आ सकते हैं। हम लोगों ने बर्फ़ का यूज़ नहीं किया क्योंकि फार्म घर से नज़दीक है। इसको अच्छे से मिला लीजिए। इन्होंने ज़ोरों से मिला दिए, आपको स्लो स्लो मिलाना है उसको। और ज़्यादा अच्छा हो तो आप मार्केट से जो बॉटल, पानी की बॉटल आती हैं 20-20 रुपए वाली, उनको लेकर आ सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन हम लोगों ने ऐसा नहीं किए हैं। और मेरे पास पहले से ही वनराजा की 50 मुर्गी बच्चे थे, जिनको मैंने सोचा था, पहले तो सोचा मैं कि उनको ना पिलाऊँ पानी, और उसके बाद मैंने कहा कि पानी पिला दो, क्योंकि उससे पहले उनका कोई वैक्सीन वगैरह नहीं हुआ था, तो उनको भी चल जाएगा। अगर आपके पास ऐसे पहले से 20 दिन 15 दिन पहले के बच्चे हों जिनको वैक्सीन ना हुआ हो, तो उनको भी आप पानी दे सकते हैं ये वाला। बच्चों को पानी नहीं मिला इसलिए बहुत प्यासे हैं वो, और ऐसे प्यासे रखना पड़ता है ताकि सारे के सारे बच्चे वैक्सीन वाला पानी पी लें। हमने 3 लीटर से 4 लीटर तक पानी लिया है, आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। हमने 400 बर्ड के हिसाब से पानी लिया है। ज़्यादा पानी नहीं देना है, थोड़ा बहुत पानी देना है, ताकि थोड़ा बहुत वो सारे के सारे पी लें। पानी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये वाला देखिए, सारे के सारे बच्चे के ऐसे प्यासे भटक रहे हैं। यहाँ से वहाँ पानी देंगे उनको, सारे टूट पड़ेंगे पानी के ऊपर। ये देखिए, बर्तनों को अच्छे से धुल लेना है। हम लोगों ने फीडर वगैरह को नहीं धुले थे, तो क्योंकि मेरे पास समय नहीं था और मेरे साथ वाला लड़का आया नहीं था, वो कहीं बिजी था इसलिए लेट आया, तो मैंने उनको अलग नहीं किया, सिर्फ पानी के बर्तनों को साफ किया था। वैक्सीन देना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी भी ऐसी कोई बीमारी, गंबोरों की अगर बीमारी आपकी फार्म में आ जाए, तो 2 तरह की होती है। एक बीमारी जो कि हाइड होती है, जो कि नज़र नहीं आती आपको, दूसरी है जो कि नज़र आती है आपको। लेकिन ये है कि जब भी वो बीमारी आपकी फार्म में आई, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पूरा का पूरा फार्म